जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चाहिए और चले अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार पौधों के माध्यम से आप अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। कामना सिद्धि के लिए, किस विशेष कामना की सिद्धि के लिए आपको कौन से पौधे अपने घर में या घर के आसपास लगाना चाहिए और उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए, ऐसे भी प्रसंग हमारे धर्मशास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। जिस भी किसी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए यानी लक्ष्मी की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को तुलसी, आंवला, केला और बिल्व पत्र का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा और पूजा करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो तुलसी, आंवला, केला और बिल्व वृक्ष अगर आप लगा करके सेवा करते हैं तो इससे आपको धन लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आरोग्यता प्राप्ति के लिए यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको लगाना चाहिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी और तुलसी। फिर से सुन लीजिए कि आपको आरोग्यता प्राप्ति के लिए कौन कौन से पौधे लगाना है और उनकी सेवा करना है। आरोग्यता प्राप्ति के लिए यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निरोगी रहने के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी और तुलसी, इन पौधों को आप लगा करके अगर आप सेवा करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, आप स्वस्थ रहते हैं, परिवार में किसी भी प्रकार का रोग इत्यादि नहीं हो पाता। सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको अर्जुन का पौधा लगाना चाहिए, अशोक का पौधा लगाना चाहिए, नारियल का पौधा, बड़ का वृक्ष लगाना चाहिए यानी वट वृक्ष लगाने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अर्जुन, अशोक, नारियल और बड़ का वृक्ष यानी वट वृक्ष लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं इन पौधों को लगा करके और निरंतर इनकी सेवा शुश्रूषा करके इनको पालते हुए। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे आपका सौभाग्य बढ़ता जाएगा, जीवन के जो भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। संतान प्राप्ति हेतु पीपल, नीम, बिल्व, नागकेसर, गुड़हल और अश्वगंधा। अगर आप पीपल, नीम, बिल्व, नागकेसर, गुड़हल और अश्वगंधा लगाते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान ऐसी होती है जो दिव्य संस्कारों से युक्त होती है, आपके कुल का नाम रोशन करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। किसी भी प्रकार से आपको जीवन में संतान के पक्ष से कष्ट नहीं मिलता, तो इन पौधों को आपको लगा करके सेवा करनी चाहिए। अगर आप मेधा वृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं यानी अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परिवार में जो भी सदस्य हैं वो बहुत शार्प माइंडेड हो, उनका दिमाग बहुत तेज हो, मेधा की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो ऐसे में आंकड़े का पौधा यानी आग का जो पौधा होता है, आंकड़े का पौधा, शंख पुष्पी, पलाश, ब्राह्मी और तुलसी, इन पौधों को लगा करके आप लाभ ले सकते हैं। आंकड़े का मतलब मदार का पुष्प, शंख पुष्पी आप जानते हैं, शंख पुष्पी आयुर्वेदिक एक औषधि के तौर में यूज होती है, जिसको ब्रेन को शार्प करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, और ब्राह्मी का भी लगभग वही प्रयोग है, और उसके साथ साथ पलाश और तुलसी, अगर इन पौधों को आप लगा करके सेवा करते हैं तो आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो शार्प होता है, दिमाग तेज होता है। सुख की कामना चाहने वाले व्यक्ति को नीम, कदम और घने छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, इससे आपके सुख में वृद्धि होती है। तो अगर आप सुख की वृद्धि चाहते हैं तो नीम, कदम और बड़े जो घने और छायादार पौधे होते हैं, जो बड़े भारी पौधे होते हैं, उनको आप अपने घर के आसपास लगा करके निरंतर उनकी सेवा करें तो आपको लाभ मिलता है।
आनंद प्राप्ति के लिए हर सिंगार यानी पारिजात का पौधा आपको लगाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ पौधे बताता हूँ। रातरानी का पौधा, मोगरा और गुलाब अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद की प्राप्ति हेतु हर सिंगार, पारिजात, रातरानी, मोगरा और गुलाब का पौधा आपको लगा करके इनकी सेवा करनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें यानी राशियों का हाल जाना और महापाय भी आपने जाना, लेकिन कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? जी सर, जन्म तिथि है 11/4/1980 और समय शाम को 6:35 जी, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर हलोदी से जी। सर को मेरे कोई जॉब नहीं लग रहा है सर, 2-3 साल से बहुत समय बहुत खराब चल रहा है सर। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा चल रही है और 11वें भाव में जिसको आय का स्थान कहते हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और मंगल ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। आपके आय के रास्ते को इन लोगों ने पूरी तरीके से बंद कर रखा है। दूसरा, पंचम भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का प्रभाव है जिससे आप मन से भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आज से ही आप भगवान महादेव की पूजा आराधना शुरू कर दें और ऐसे योग से बचने के लिए सबसे पहला काम आपको स्वयं जो करना है, शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए, काला तिल अर्पित करिए और अपने घर में या शिव मंदिर में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप निरंतर आप आरंभ कर दीजिए। तब आपको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलने लगेगा और जब आपकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो शनि, बृहस्पति, राहु, मंगल के साथ केतु और चंद्रमा, इन 6 ग्रहों का जाप करा करके आप शांति कराएं, अन्यथा आपका जीवन जो है बहुत ज्यादा आने वाले समय में कष्टों से घिर सकता है। जी हाँ, तो ये तमाम उपाय करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बहरहाल तमाम राशियों के हाल के साथ आज का महापाय भी जाना और कैसे किस वृक्ष लगाने से क्या फायदा होगा, ये तमाम बातें जानी। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही और पंडित जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के। जी धन्यवाद, तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।